छापरा विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरे हाथ जोड़ के अपील, जिस प्रकार माहौल बन रहा है, जिस प्रकार बयान दिए जा रहे हैं प्रत्याशियों के खिलाफ, उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही, उससे आपको बचकर रहना है। आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इनका काम यही है, इन्होंने कभी भी छापरा के विकास के बारे में नहीं सोचा। जाति के नाम पर चुनाव लड़ना या भ्रष्टाचार करना या पेपर लीक करना, यह हमेशा कांग्रेस के फितरत में रहा है। हम सबको विकास को चुनना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। ऐसे में हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, एक पहला प्रत्याशी हूं जो आपसे कह रहा है कि इस वीडियो को सेव रखना। मैं आप लोगों से वादा करता हूं और वचन देता हूं, छापरा के विकास के लिए मैं 365 दिन काम करूंगा और चुनाव के बाद हर गांव में जाकर जनता के बीच में समस्याओं को लेकर हम लोग उन चर्चा भी करेंगे, समस्याओं को जानेंगे भी और निस्तारण के लिए भी संघर्ष करेंगे। इसके अलावा 12 साल मैंने संघर्ष किया है, मैं तपस्या करके संघर्ष करके आपके बीच में आ रहा हूं। 17 बार जेल गया हूं, षड्यंत्र के तहत मुझे जेल में डाला गया है, 12 बार अनशन किया हूं और 2.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार को सरकारी नौकरी मिली है। और जब मैं विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं तो जगह जगह वो युवा मिल रहे हैं कि आपकी वजह से हम सरकारी जॉब में। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही कि मैं जो मैंने तपस्या की थी उसका फल मुझे आज मिल रहा है। तो आप सबसे अपील है, उनकी तरफ मत ध्यान दीजिए। किसान का जो बेटा 12 साल तपस्या करके आपके विकास के लिए आ रहा है, आपको वचन दे रहा है, वादा कर रहा है कि मैं आपके बीच में 365 दिन रहूंगा, मैं जीऊंगा भी छापरा और मरूंगा भी छापरा, केवल छापरा की जनता के विकास के लिए। इसलिए आप 25 नवंबर को कमल के फूल पर वोट जरूर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। हमें बरगलाया जाएगा, आपके लिए आप देखना धीरे धीरे बहुत कुछ बोला जाएगा, आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया जाएगा, बहुत कुछ वायरल किया जाएगा, बहुत कुछ बोला जाएगा। लेकिन आपस में आपसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि उनकी ओछी मान सकता है, उनकी तरफ मत ध्यान देना, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हम सबको मिलकर छापरा को बचाना है, छापरा को विकास की तरफ आगे बढ़ाना है। मैं छापरा को 200 विधानसभा में नंबर वन बनाना चाहता हूं विकास के रूप में। मैं छापरा को जातिवाद से परे हटकर सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेकर नंबर वन बनाना चाहता हूं भाईचारे में। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार मुझे प्यार और सम्मान मिला है, आप लोगों का सहयोग लगातार मिलता जा रहा है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि हाँ, एक ऐसा युवा है जो ईमानदारी से लड़ रहा है, 12 साल संघर्ष किया और अब छापरा में कुछ करने के लिए आया है। यदि इनके पास कुछ बोलने के लिए होता तो ये पेपर लीक के खिलाफ बोलते, जब युवा किसान के बेटे बेटी को सपनों को बेचा जा रहा था तो ये लोग चुप थे, जब नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ तो ये चुप थे, जब जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ ये चुप थे, कभी भी नहीं बोले। लेकिन मैं युवाओं के लिए जब जब बोला उसे जेल में डाल दिया गया, लाठीचार्ज कर दिया गया, सिर फोड़ दिया गया, मुग्ध में दर्ज कर दिए, लेकिन मैं कभी भी हारा नहीं, मैं लड़ता रहा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस संघर्ष के बदौलत माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र नेतृत्व ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। इसलिए आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि उसको चुने जो विकास करवा सके, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब आने वाले समय में आप देख रहे हैं, इनके बयान ऐसे आएंगे जो आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे। चुनाव है, आज चुनाव है, कल चुनाव, 25 के बाद चुनाव चले जाएंगे, फिर 5 साल बाद आएंगे, लेकिन आपसी दुर्व्यवस्था हमेशा भाईचारे में जहर घोलने का काम करेगी। इसलिए आप किसी के बहकाव में नहीं आए, आप सोशल मीडिया के इन चीजों पर ध्यान न दें, क्योंकि आप विकास को चुने, आप भ्रष्टाचार छापरा को चुने, आप सड़क और पानी को चुने, जो आपके लिए वादा कर रहा है, जो शिक्षा का वादा कर रहा है उसको चुने, और जिसने 12 साल संघर्ष किया उसको चुने, उसको ना चुने जिसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, जो जनता जब संकट में होती है, जब उनके साथ ना हो, ऐसे व्यक्ति को ना चुने। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप मेरा साथ दें 25 नवंबर को
कमल का फूल का बटन जो बेलेट नंबर वन पर आप दबाएं और मुझे जिताएं। और जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी प्रत्याशी हो, किसी को भी शब्दों का ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मेरी ये सोच है, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। और हर कार्यकर्ता और हर मतदाताओं का सम्मान हो, उनके मान सम्मान में कोई टेंस नहीं पूछे, उसका भी मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और आप सबको बताऊंगा कि कैसे सेवा की जाती है। ये केवल लोग बहाना बनाते हैं कि हमारी नहीं चलती, फिर कहेंगे, अब आने वाले समय ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए आप लोगों से कहूंगा, वोट खराब ना करें, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। आपको आपस में लड़ाने के अलावा, द्वेषता फैलाने के अलावा, आपको विकास चाहिए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से आ रही है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करो, आप गूगल पे जाइए, आप कहीं भी जांच करके आप तीनों जो भी 5-6 प्रत्याशी है उनकी तुलना करिए, कौन बेहतरीन है, कौन क्या कर सकता है, किसने क्या किया। और आप तुलना करने के बाद आप खुद कहोगे कि ऐसा युवा साफरा को मिलने वाला है जो साफरा की काया पलट कर सकता है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, 25 तारीख को साफरा के विकास के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त साफरा के लिए, जातिवाद मुक्त और सर्व समाज के भाईचारा के लिए आप मुझे वोट करें और जिताइए। धन्यवाद।